हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिका क्लासेस। बोर्ड एग्जाम 2023 स्टार्ट होने वाला है। अभी हर स्टूडेंट के मन में आने वाले क्वेश्चन पेपर को लेकर कई सारे सवाल चल रहे होंगे। क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कैसे तैयारी करें जिससे सक्सेस मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें, इस बार बोर्ड की आइडियोलॉजी क्या है, किस तरह से बोर्ड अपने क्वेश्चन पेपर को सेट करेगा, क्वेश्चन पेपर किन किन फैक्टर्स पर बेस्ड होगा, एग्जाम में बोर्ड एक स्टूडेंट में क्या क्या चीजें इवैल्यूएट करेगा, एग्जाम में मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं, हर स्टूडेंट के मन में अभी ये सवाल चल रहे होंगे, चाहे वो एक शार्प स्टूडेंट हो या एक एवरेज स्टूडेंट हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2023 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा, या फिर यूं कहें कि किस तरह के क्वेश्चन CBSE बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा रहेगा ये मैं आपको आज बताऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें आपको बताऊंगा। अगर आप 2020 या उससे पहले के बोर्ड क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि 80-90% क्वेश्चंस NCERT बुक से या NCERT बेस्ड है। लेकिन 2021 में NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और इसी के अकॉर्डिंग आगे होने वाले एग्जाम्स 2021 या उसके बाद वाले बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में चेंज किया गया। अगर 2021 में बोर्ड एग्जाम होता तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस चेंज्ड होते, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता, लेकिन कोविड के कारण बोर्ड एग्जाम हुआ ही नहीं और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर ही स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया। लेकिन 2022 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ वो दो टर्म में लिया गया और इसी साल क्वेश्चन में दो नए तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। इस साल पहली बार केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, साथ ही एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। बोर्ड एग्जाम 2023 में 60% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जबकि 40% लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। CBSE ने सैंपल पेपर निकाल ही दिया है। जब तुम एक एक करके हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर को देखोगे तो तुम्हें ये बात क्लियर हो जाएगी कि साइंस में 15-16 MCQ पूछे जाएंगे, मैथ में भी स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ दोनों में 18 MCQ आएंगे, जबकि SST में 20 MCQs पूछे जाएंगे। क्योंकि 60% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो इसका ये मतलब हुआ कि ज्यादातर क्वेश्चंस 1 मार्क वाले पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं। देखा जाए तो 2023 के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है वो 2022 के बोर्ड एग्जाम के कंपैरिजन में थोड़ा हाई होगा, क्योंकि 2022 में तो सब्जेक्टिव केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन अब केस बेस्ड क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। इतना ही नहीं, रियल लाइफ से क्वेश्चन रहेंगे, NCERT बुक से तो क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, NCERT एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चंस रहेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे। इतना ही नहीं, दीक्षा प्लेटफॉर्म से भी क्वेश्चंस रहेंगे। इन सारी चीजों को इस बार इंक्लूड किया जाएगा 2023 बोर्ड एग्जाम में। लेकिन CBSE ने जो सैंपल पेपर निकाला है, एग्जाम के पेपर उससे इजी होंगे, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सालों के सैंपल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी कि क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर से हल्के यानी इजी पूछे जाते हैं। सैंपल पेपर्स हार्ड होते हैं, जबकि एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उससे इजी होते हैं। तो अगर CBSE ने जो इस बार सैंपल पेपर जारी किया है उसके कंपैरिजन में 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर 10% इजी होने वाला है। सैंपल पेपर की बनिस्बत एग्जाम पेपर का डिफिकल्टी लेवल 90% ही हार्ड होगा, यानी सैंपल पेपर से थोड़ा इजी होगा इस बार का क्वेश्चन पेपर। सैंपल पेपर से हार्ड पेपर एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। डिफिकल्टी लेवल में जो चेंज इस बार देखने को मिलेगा वो मेनली मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज में ही देखने को मिलेगा। इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में ज्यादा हाई लेवल के या ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको सोशल स्टडीज, साइंस और मैथ में होगी। संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बोर्ड कभी नहीं चाहता है कि उसके ज्यादा स्टूडेंट्स फेल करें या उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो।
इसलिए इजी क्वेश्चंस का वेटेज 40% होगा और क्वेश्चन पेपर में मीडियम और एवरेज क्वेश्चंस का वेटेज भी 40% ही होगा। यानी अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो भी आप आसानी से पास कर जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चंस 70-80% इजी टू मॉडरेट होंगे। ओनली 20% क्वेश्चंस ही हार्ड होंगे। इन क्वेश्चंस की मदद से ही CBSE आपको चेक करेगा कि आपने कितनी डीप स्टडी की है। जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी की होगी वो बच्चे ही इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। अब बात आती है कि पेपर कहां से सेट होगा, तो CBSE हमेशा कोर बुक को ही यानी NCERT बुक को ही ध्यान में रखकर अपने क्वेश्चन सेट करता है। NCERT की बुक ही CBSE की बेसिक बुक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस NCERT बेस्ड या NCERT एग्जाम्पलर बेस्ड होते हैं। CBSE का यही एफर्ट रहता है। CBSE बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के द्वारा आप में 3 स्किल को चेक करेगा, प्रैक्टिकल स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल और नॉलेजेबल स्किल। इन 3 चीजों को बोर्ड केस बेस्ड, वैल्यू बेस्ड और एजर्शन रीजन क्वेश्चंस की मदद से चेक कर रहा है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन्हीं बातों पर फोकस किया जा रहा है। सैंपल पेपर को देखने पर आपको ये बात पूरी तरह क्लियर हो जाएगी कि अब रट्टा मार ट्रिक से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। इन सारी बातों को सुनने और समझने के बाद आप ये बात जान चुके होंगे कि 2023 बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का लेवल प्रीवियस ईयर्स के कंपेरिजन में थोड़ा हाई होगा। 2023 बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर CBSE द्वारा जारी किए गए सैंपल पेपर के कंपेरिजन में 10% ईजी होगा। लगभग 16 से 20 MCQs आएंगे। 80% क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल के होंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस NCERT बुक पर बेस्ड होंगे। अगर आपने प्रिपरेशन करते टाइम इन सारी बातों का ख्याल रखा तो 95% मार्क्स आप बहुत इजीली ला सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको गुड विशेस। मिलता हूँ अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अपना ख्याल रखना। गुड बाय।